हे भगवान मरे हो गए रे मोर धान और तो फिर बने नहीं होए को तू पाए कर देखे ना तो उले तो मोर धान आ बने नहीं छोड़ देगा गए इज में मोर कुटुंब आ परिवार आ चलत रिज मरे हो गएगा किसे रामलाल का हो गए तोला गुरु के तो धान लगान है इसमें मोर परिवार चलो देख तो धान है तो बने नहीं छोड़ को तो उपाय कर देख ना बने नहीं छोड़ ते तो तोड़ लगा था देख तो मोर धान ला 15 दिन हो तो राखर चुचे रहे को धान अति मस्त दिखा थे कि झान कर लेकिन देख तो कीरा आ गया रोटो रोटो कर जा कर जाने तो इसे धान सब लगा दे थे जो तो क्या कर पा गुरु तोर पर समस्या तो वही छो जा थे कछु न कछु उपाय कर पा तो दो धान लगा है धान तो बने नहीं छोड़ का कर बे कोई तो उपाय कर देखे ना तब बोले धान नहीं होते इसमें मर कुटू में चलो आप धान बने नहीं होते मर कुटू में कैसे चलिए बोला का हो गए गुरु वही था 15 दिन हो थे रखा लाने रहे को तो चीचे सब चा धान मस्त हो है लेकिन कीड़ा में सब खा दे थे सब धान ला चढ़ दे थे तो ओकर कछु उपाय बता दत हमार दुकान ला आ जाबे ते राखड़ ले जाबे और ते दवाई ले जाबे राखड़ आहे और दवाई आहे का दवाई आहे ए मुनी ते मने बता का राखड़ दवाई है जो बाबा बाबा बता तो होगा धीरज करो हमार करा अनेक प्रकार के डीपी यूरिया बहुत प्रकार के राखड़ मिल जाही तू हन एक आ तो सही कौन करा है तोर दुकान है हमार दुकान है माझा खोल के गोटिया घर के पास है तू हन आ बन दही जाबो एक हले पर एक चीज के देखबो से गुरु चीज के देखबो तो दे गौ पाए करके देखबो धान अपने हो थे कि नहीं तो हां एक था विश्वास करियो हां लेगा का दवाई देबे का जो और राखन ले इमल ला दवाई देते काएगा और कितने दिल ना तो ते लेकिन ओला ते नहीं पीबे ओला तो धान में लगा बे नहीं तो ते पीने में तो मर जा बे ओला उसने कहा हाँ अब मुझे राखड़ जगा ऐसे धरना हाँ एक बार दिल की तेरे भैया कब सुख आयो रे एक बार दिल की तेरे भैया कब सुख आयो रे दवाई ले तो छींचे रहे कीड़ा भाग ही को के लेकिन धान तो पूरा चरपट हो गए थे कैसे गुरु का हो गए औ का और दवाई छींचे हो हां वो से दे दिला हां हां कीड़ा भाग ही को के हां देख तो पूरा पूरा पर्रा हो गई जो धान तो कैसे पर्रा हो गए पूरा धान दे गड़बड़ हो गए रे भाई वो से तो ठक दे बोला भेटे ले नहीं देवो बेटा ना देवो बेटा ना जबरदस्त हां
गुरु कहाँ चाले बड़ परेशान दिखा था। राम राम साहब। राम राम। ये दे धान लगाए हैं तो धान बननी होत रही तो वो में हम राखर दे राखर दे तो धान तो बने हो गए। अब धान बने हो तो में कीड़ा लग गए। कीड़ा लग गए तो सेठ दवाई दी तो में छिजे तो दवाई दी तो धान के संग कीड़ा मर गए लेकिन धान गुल मर गए। अब का करबो कीटनाशक दवाई के प्रयोग करत हा। हाओ आगात में कीटनाशक दवाई के प्रयोग का कर का कहले एकर बहुत से साइड इफेक्ट होते। तुम खुद के अभी एक्सपीरियंस से देख सका था कि तुम धान अच्छा होई का मिलाने रहा तो कीड़ा लग। हां तो सरकार भी कहते सब आम जनता मन भी कहते कि ऑर्गेनिक खेती के बहुत सारे लाभ देख तो ए वाली बीमारी से हमला बचत थे। तुम्हारे कीटनाशक दवाई के प्रयोग कर तो वर्तमान में हमला अधिक से अधिक लाभ मिल सकते लेकिन भविष्य में हमला नुकसान कर सकते। कारण कीटनाशक दवाई के कारण कोरोना जैसे बीमारी और कई सारे बीमारी में फैला थे। तुम्हारे ऑर्गेनिक खेती कर तो ऑर्गेनिक खेती कैसे कैसे करते हो कछु कछु फायदा बताओ का। देव में राख के प्रयोग कर सकता था और बाकी सारे खाद मन के गाय गरवा के गोबर सोबर सब हर ना ऑर्गेनिक खेती में काम आते बहुत उत्पादन होते एक से। हाँ ए मैं आऊँ कछु फायदा बता ना गाय के। ए देखा तुम गाय राखिया बोरस ही बाहर मन हाँ बनते चूरते तो बोले ऊपर में दे लो अच्छा चूरते स्वाद में बोले अच्छा आते तो उसने कहा था फायदा हो रही। देखा कतक फायदा है गाय गरवा रखा और कोरोना जैसे बीमारी मन फिर वापस नहीं आए अगर ऑर्गेनिक खेती कर और प्राकृतिक वातावरण बहुत परिवर्तन आला तो पता हो नहीं कि पहले दुनिया में डायनासोर और गौरैया की चिड़िया पंछी की प्रजाति पाई जाती थी अब वो विलुप्त हो गए क्योंकि प्राकृतिक वातावरण असंतुलन हो रहा है। प्राकृतिक वातावरण के असंतुलन के कारण धीरे धीरे ऐसा ही चलता गया कि हम मनुष्य भी इस दुनिया से एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। आप एक और प्रभाव देख सकते हैं कि आजकल खेती करने के लिए अधिक से अधिक पानी की जरूरत पड़ रही है जो कि हमें पहले 80-90 फीट में पानी दे देता था बोर से और अब कम से कम 250-300 लग रहा है। तो आप लोग भी अपने जिम्मेदारियों का पालन करें और ऑर्गेनिक खेती करें ना कि कीटनाशक दवाइयों का। गाय गरवा घोले रखो कैसे गुरु लानबो का जगह गाय गरवा। हाँ Thank you.